वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रायनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राई एक नए तरीके से। फ्रोजन फ्रेंच फ्राई की भी मैंने रेसिपी डाली हुई है कि आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप उसकी भी रेसिपी जाननी है तो आपको मैं उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो आपको इजी रहेगा, वो बना के आप रख दीजिए, जब भी आपको यूज़ करना हो, आपको फ्रेंच फ्राई बनाना हो, आपको निकालना है और बस उसको फ्राई कर लेना है रूम टेम्परेचर पर करके। तो यहाँ पे वो मेरा फिनिश हो चुका था, तो यहाँ वो खासकर मैं रमज़ान में बना के रखती हूँ, तो रमज़ान में मैंने बनाया था। उसके बाद ईमान ने बोला तो मैंने फिर आज दूसरी तरीके से झटपट वाली फ्रेंच फ्राई बना रही थी, तो बस वही मैं बना रही थी। तो मैं बोली आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने दो आलू का छील के अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैं फ्रेंच फ्राई के शेप में मैं उसको चाकू की मदद से काट ले रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राई का कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। आप उसको काटते जाइए और एक बोल में पानी रख के रहिए, उसमें डालते जाइए। ये नॉर्मल किचन का नल का जो पानी होता है नॉर्मल, वही पानी मैंने है रखा हुआ है। बस ये मैंने काट के, आप दो आलू के दोनों साइड को काट के उसको आप काटेंगे। तो आप, मैंने अपने वाले पुराने वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि आपको कैसे काटना है क्या काटना है। तो बस अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे एकदम अच्छे से कि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो पानी है वो एकदम मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मैंने आलू जो है उसको उसका पानी निकाल दूँगी, उसको ऐसा रख दूँगी जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है निकल जाए। उसके बाद मैंने लिया है एक क्लीन क्लॉथ किचन का, जो उसको मैंने फैला के अच्छे से उस पर हल्का सा पानी उसका खुश्क कर लिया है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी उसको खुश्क कर लेंगे कि वो ड्राई हो जाए। हमको अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर उसका निकल जाए, बस इतने, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बस एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको निकाल के हमें क्लीन बोल में उसको वापस रख देंगे। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस लगाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास टिक्का मसाला है, आपके पास कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला हो तो आप उसको लगा सकते हैं। ये चिकन मटन में लगाने के लिए आपको आता है जो, ये वही मसाला है रेड कलर का, मैं वही लग डाल रही हूँ। इसको डाल के जब आप फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी फटीफट से बन जाता है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, उसके साथ थोड़े थोड़े मसाले, गरम मसाला, ये वो, अपने स्वाद के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी, उसको डाल सकते हैं। बस यहाँ मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला है और उसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस टिक्का मसाला डाला है, इससे फ्रेंच फ्राई बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी। मेरे फैमिली में तो आप मानिएगा यानी नदीम और इमाद को तो थोड़ा स्पाइसी लगता है, इस वजह से वो नहीं पसंद करता, लेकिन नदीम को तो यही पसंद है क्योंकि अच्छा इसमें अच्छा टेस्ट आता है ज़रा से मसालों का, इस वजह से। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। आपको तुरंत जैसे मसाला लगाया तुरंत डालिएगा फ्राई के लिए, अगर आपने रख दिया तो फिर वो क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर मसाला, अगर जो हमारा आलू है वो पानी छोड़ने लगेगा तो फिर वो क्रिस्पी नहीं होता है। इसी वजह से आप जैसा हो जल्द फटीफट से ही आप करिए, यानी मसाला लगाइए और तेल लगाने, आपने आलू काट के रख लिया, तेल रख दिया गर्म होने के लिए, उसके बाद जब लगा आपको तेल गर्म हो गया है तो आपने फटीफट से मसाला डालने का और उसको फ्राई कर लेने का हॉट वाटर में, हॉट ऑयल में। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ इसको अच्छे से पहले। हम्म,
मत, क्या है? बिजी को खिलाते हैं ना, वो बिजी इंसान। ये सादे वाले से ज्यादा ये अच्छा लगता है। हाँ हिमात, तुम्हारा खा के बता, तुमको खिला दो। अरे अरे यम्मी कि नहीं? गुड। मुझे गरम है। चलो पहले हम अब खा लेते हैं। क्या हम लोग नहीं खाए हिमात? क्यों? मुझे कुछ खाने नहीं लगी क्या? अच्छा, हम लोग खा जा रहे हैं, तुमको नहीं खाने दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो एक प्याली में कौन डाल के छोड़ा है मायोनीज के साथ? तुम कुछ बोलते नहीं। ज्यादा पसंद है कि सादा वाला? क्यों? तीखा लग रहा है तुमको? अच्छा। आज का मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। ये फ्रेंच फ्राई जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी से हो भी जाती है। तो आई होप आप मेरा वीडियो पसंद करेंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।